Very good morning students, how are you all? I welcome you in EVS online class. So in the last video we have read chapter number 8, the fourth we eat, and in this lesson we have covered the two topics. First one is the journey of food, and second topic we have covered honey from hive to home. This we will continue with some more concept. And today we will cover half topic of our diet. Okay, so first we will complete the second topic with the new concept. That one is honey. Honey means shahad from hive to bee. Hive to home, right? So in this we have read about the three bees. First one is queen bee, second one is male bee, which is also known as drone, and third one we have read about the worker bee, right? This I have told you about the worker bee in the last video, and today I will give you a brief description about this thing. Queen bee is, what is the work of a queen bee? Queen bee lays egg. Okay, इसका एक ही काम है कि इसने egg देने हैं. Okay. नाउ इन द फुल, अब पूरे छत्ते में से हमने देखना है कि जो हमारी क्वीन बी है वो कौन सी है. तो वो कैसे पता लगेगा? जो सबसे बड़ी है, ओके, वो कौन सी है? हमारी क्वीन बी. और क्वीन बी का एक ही काम है, वो क्या है? एग देना, ठीक है. सेकेंड हमने पढ़ा था मेल बी. मेल बी को हम क्या कहते हैं? ड्रोन बी. ड्रोन बी, हाँ, कॉल ड्रोन. अब जो ड्रोन है ये कोई काम नहीं करते हैं, और हमें मधुमक्खियों से कैसे पता लगेगा कि कौन सा ड्रोन है, कौन सा मेल बी है? वो क्वीन बी से थोड़ा सा साइज में छोटा होगा, तो वो आपका हो गया ड्रोन बी. और इसका कोई मेन काम नहीं है. और जो मेन काम वाले हैं वो हैं वर्कर बी, क्योंकि ये ही सारा काम करते हैं. ये हाइव भी बनाते हैं, हनी भी कलेक्ट करते हैं, और जो बेबी बी होती हैं उनका ध्यान भी वर्कर बी ही रखते हैं, इसलिए उनको वर्कर बी बोला जाता है. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे वो हनी इकट्ठा करती हैं बीज, वर्कर बीज, एंड हाउ दे टेल द अदर, है ना, हाउ दे टेल द अदर. तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जो बी हैं वो क्या कहें. अब जैसे एक बी गई, ठीक है, उसने देखा कि इस फ्लावर में नेक्टर है. नेक्टर हमने कहा था ना अमृत, फ्लावर में नेक्टर है. अब वो आएगी अपने हाइव बी में आएगी और देखिए कहेगी बाकी बी इसको कैसे बताएगी. तो वो क्या करती है, वो एक स्पेशल डांस करती है जिसे हम बोलते हैं वेगल डांस. दिस इज़ नॉट इन योर बुक, दिस इज़ फॉर जस्ट योर नॉलेज. ये आपकी बुक में नहीं है, पर एक कंसेप्ट के लिए आपको ये समझा रही हूँ. उसे हम बोलते हैं वेगल डांस. वेगल डांस मीन्स कि वो ऐसे एट के फॉर्म में बनाती हैं, ठीक है. जैसे एट होता है ना, ये हमारा एट है, तो ये इस फॉर्म में बिन 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 करती जाएगी, ठीक है. जिस फूल में नेक्टर होगा ये वहाँ पर जाएगी. जैसे यहाँ पे ये हाइव है, यहाँ पे सूरज है,
और कैसे पता लगेगा कि फ्लावर एक डायरेक्शन में है, तो वो क्या करती है, वो एक वेगल डांस करती है, वेगल डांस करती है और ऐसे ये बनाती है। अब उनको ये नंबर्स अब काउंट करेंगे कितने नंबर्स के, 1 2 3 4 5 6 6 पे हैं, तो 6 फ्लावर पे वो जाएंगी और नेक्टर वहाँ से उठा लेगी। तो इस तरह से एक बी दूसरी बी को इन्फॉर्म करती है कि इस फूल में नेक्टर है। ओके, सूरज, सूरज के नीचे हाइव, हाइव, और ये जितनी बारी ये 8 बनाएगी उस बी को वो काउंट करके, अब वो बोल तो सकती नहीं है तो वो वेगल डांस करेंगी और बिन बिन करती ऐसे करके वेगल डांस करके दूसरी बी को बताएंगी कि हमारे फूल का नेक्टर यहाँ पर है। सो मुझे आपको यही बताना था। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द न्यू कंसेप्ट, दैट इज थर्ड वन आर डाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर डाइट। ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 51 ऑफ योर बुक। आर डाइट मीन्स, डाइट मीन्स आहार, जो हम खाते हैं। सो नाउ रीड बिहाइंड मी, वी ईट ए वैरायटी ऑफ थिंग्स एवरी डे। हम हर दिन कई तरह की चीज़ें खाते हैं, कई तरह की चीज़ें खाते हैं। दे आर बेनिफिशियल टू अस, बेनिफिशियल मीन्स फ़ायदेमंद, बेनिफिशियल मीन्स फ़ायदेमंद। फ़ायदेमंद, यूज़फुल, फ़ायदेमंद है। तो इसमें पढ़ा कि हम हर दिन कई तरह की चीज़ें खाते हैं, वे अलग अलग तरीक़ों से हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो सबसे पहले है क्या पढ़ा हमने, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, फैट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, पोषक। सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे गिव अस एनर्जी फॉर द वर्क वी डू, वो हमें ताकत देते हैं ताकि हम काम कर सकें। हैंस पीपल हु डू वर्क इन्वॉल्व प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, नीड एनर्जी गिविंग फूड। तो जो पीपल बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिसमें फिज़िकल एक्सरसाइजेस होती हैं, उनको ये एनर्जी गिविंग फूड यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज़्यादा खाने चाहिए। जैसे खाने फूड्स लाइक राइस, चपाती, फूड लाइक राइस, चपाती, पोटैटोस कंटेन स्टार्च, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, इन फूड्स में बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होता है। बटर एंड नट्स कंटेन फैट्स, अब जो इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स किस में हैं, फैट्स हैं आपके बटर में और नट्स में। ओके, विच कीप आवर बॉडी वार्म, जो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हम हर दिन कई तरह की चीज़ें खाते हैं, वे अलग अलग तरीक़ों से हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहा जाता है,
क्योंकि वह हमें इस कार्य के लिए ऊर्जा देते हैं. ऊर्जा मीन्स एनर्जी. दे प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हम करते हैं. इसलिए जो लोग बहुत सारे शारीरिक व्यायाम शामिल करते हैं, उन्हें ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है. चावल, चपाती और आलू जैसे खाद्य पदार्थ में स्टार्च होता है. वे कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं. मक्खन और नट्स में वसा होता है, जो शरीर को गर्म रखते हैं. सो दीज आर राइस, चपाती एंड पोटैटोस कंटेन स्टार्च दैट कंटेन अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड बटर एंड नट्स कंटेन फैट्स दैट कीप्स आवर बॉडी वॉर्म. ओके, नाउ कम नेक्स्ट वन इज योर प्रोटीन्स. फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, सेकेंड वन इज योर प्रोटीन्स. Now let's read about protein. Proteins are called body building nutrients. Body building nutrients. Carbohydrates and fats are called energy giving nutrients, and proteins are called body building nutrients. Okay? Proteins are required for hair and nail growth and repair mulches. तो proteins हमें क्यों चाहिए? ताकि वो हमारे बालों को और हमारे नाखूनों की growth करने में, और अगर हमें चोट लग जाती है तो muscles की problem को repair करने के लिए हमें proteins खाने चाहिए. They are especially essential for growing children. जो बढ़ते बच्चे हैं, जैसे आप लोग, आप लोगों को proteins ज़्यादा चाहिए. As they help the body to grow and help wounds to heal faster. क्योंकि जो बच्चे हैं वो गिरते भी हैं तो उनको चोट भी लगती है, तो चोट लगती है तो उसे हील करने के लिए जो प्रोटीन्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं. तो इस पैराग्राफ को हमने हिंदी में क्या कैसे पढ़ेंगे? प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व कहा जाता है. बालों और नाखूनों की वृद्धि और मांसपेशियों की मरम्मत, जैसे चोट लग जाती है तो उसे ठीक करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है. वह बढ़ते बच्चों के लिए विशेष रूप से आवश्यक हैं, क्योंकि वह शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं और घावों को तेज़ी से ठीक करने में मदद करते हैं. सो पल्सेस, सो फूड कौन कौन से हैं इसके बीच में? पल्सेस, पल्सेस मीन्स दालें. ओके, पल्सेस. नेक्स्ट इज मिल्क. मिल्क क्या है? दूध. ओके, दूध. देन एग्स. एग्स मीन्स अंडे. ओके, नेक्स्ट अंडे. नेक्स्ट इज योर मीट. दोज आर नॉन वेजिटेरियन, दे कैन टेक मीट, मांस. थर्ड वन इज दही. दही और कर्ड. ओके, सो दीज आर द प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. कौन से? पल्सेस दालें, मिल्क दूध, एग्स अंडे, मीट मांस, दही कर्ड. सो दीज आर योर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. ओके, नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. सो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कौन से फूड्स हैं? ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. ओके, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. विटामिन एंड
मिनरल्स ये कौन से हैं? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ओके सो विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो क्या है इसमें? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सिकनेस, जो हमें बीमार होने से बचाता है। सो विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। सब्जियों और फलों में विटामिन और खनिज, इसे हम मिनरल्स को क्या कहते हैं? खनिज। खनिज होते हैं, वह हमें बीमारी से बचाते हैं। सो दिस फॉर टुडे ओनली दिस मच, टुमारो वी विल कंप्लीट दिस एंड बैलेंस डाइट। सो टुमारो वी विल कंप्लीट दिस लेसन। ओके सो रीड दिस लेसन, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।